अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। आज मैं आपको एक रमज़ान के लिए स्पेशल रेसिपी इजी और क्विक सैंडविच जो है बनाना सिखा रही हूँ। ये है चिकन क्लब सैंडविच। इसके लिए बहुत आसान से अज्जा हैं, कोई हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं। इसमें चिकन बनाना है आपने, वो मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ कि मैरिनेट करके चिकन कैसे बनाएंगे। इसके लिए अब मैं आपको बताती हूँ कि चिकन मैरिनेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा और कैसे चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैंने चिकन लिया है बोनलेस 250 ग्राम्स। उसके बाद आपको इसमें नमक की ज़रूरत होगी, वो आप हसबे जायका ले सकते हैं, मैंने आधा चम्मच लिया है। उसके बाद दही ली है मैंने 2 चम्मच। उसके बाद मैंने काली मिर्च ली है, काली मिर्च जो है वो भी हसबे जायका है, लेकिन मैं यहाँ पे आधे से थोड़ा सा कम चम्मच मैंने लिया है। इसके बाद आधा चम्मच ही आप सुर्ख मिर्च पाउडर ले लेंगे। इसके बाद हम इसमें सोया सॉस का इस्तेमाल करेंगे 2 चम्मच, चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे 2 चम्मच और सिरके का इस्तेमाल करेंगे 2 चम्मच। आइए इसको मैरिनेट करते हैं। अब ये मैरिनेट हो गया, अब इसको आधे घंटे के लिए मैं फ्रिज में रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 30 मिनट हो गए हैं, तो मैंने पैन जो है वो चूल्हे पे रख लिया है मीडियम फ्लेम पे और इसमें मैंने 3 चम्मच जो हैं छोटे ऑयल के डाल लिए हैं। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। ये देखिए मैंने चिकन ऐड कर दिया। इसको अब हम पकाएंगे अच्छी तरह जब तक कि चिकन थोड़ा सा कलर ना चेंज कर ले। ये देखिए पानी वगैरह बिल्कुल खुश्क हो गया अब इसका और इसने ऑयल जो है वो लदा छोड़ दिया, इसका मतलब ये रेडी है। अब हम इसको बिल्कुल फ्लेम बंद करके इसको हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद आपको 4 ब्रेड स्लाइसेस चाहिए। ये ब्रेड स्लाइसेस जो हैं, ये मैंने जो ब्रेड ली है ये सैंडविच ब्रेड है, ये थोड़ी सी आम ब्रेड से बड़ी होती है और इजीली मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी बेकरी से आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको मेयोनीज की ज़रूरत होगी, वो हसबे ज़रूरत है जितना आप इस्तेमाल करना चाहें। उबला हुआ अंडा चाहिए होगा आपको और उसके बाद हमने बंद गोभी का इस्तेमाल करना है। इसमें ये हमने बंद गोभी ले ली है। आइए देखते हैं अब ये सैंडविच कैसे तैयार होगा। ये देखें ये उबला हुआ अंडा है, इसके हमने गोल गोल जो है छल्ले से काट लेने जो हम सैंडविच में इस्तेमाल करेंगे। ये और इसके बाद अब हम ब्रेड के भी जो साइड्स हैं उसकी ब्राउन साइड्स हैं वो उतार लेंगे। ये सबसे पहले हम अपने पहले वाले ब्रेड पे सबसे पहले हम मेयोनीज लगाएंगे थोड़ा सा। बिल्कुल मैं नॉर्मल मेयोनीज यूज कर रही हूँ, आप चिकन वाला भी कर सकते हैं क्योंकि हम इसके अंदर चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं और ये होममेड मेयोनीज है। तो आप मेरी प्लीज जरूर वीडियो चेकआउट करें कि मेयोनीज कैसे बनता है और ये लिंक आपके उसके ऊपर चल रहा होगा, तो इस पर जाके आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं कि मेयोनीज की रेसिपी क्या है। अब हम इसके हल्का सा मेयोनीज लगा के इस पे हमारा जो चिकन हमने बनाया है वो थोड़ा सा लगाएंगे। अब हम इसको साइड पे रख देते हैं।
अब फिर इसके ऊपर हम हल्की सी मायोनीज लगाएंगे अगले अपने उस पर भी, बिल्कुल लाइट सी मायोनीज लगाएंगे आप। और इसके ऊपर हम जो हमने एग जो है अपना स्लाइसेस किए थे एग के, वो लगा देंगे। अब इसको भी उठा के हम साइड पे रख देंगे। इसको हम एक दूसरे के ऊपर अभी थोड़ी देर बाद आखिरी स्लाइस बनाने के बाद रखेंगे। अब इसके ऊपर भी हम हल्का सा जो मायोनीज लगा लेंगे, इस पे भी हम हल्का सा मायोनीज लगा लेंगे। अब ये देखें, इसके ऊपर थोड़ा सा मायोनीज जो है लगा लें इस पे भी। अब ये देखें, ये थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली है, ये बिल्कुल लाइट सा रखना है आपने, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी क्योंकि ज़्यादा फिर वो फुल बहुत टू मच हो जाता है। ये लाइट सी हम वेजिटेबल भी यूज़ करेंगे। ये देखें, इसके ऊपर ये जो बंद गोभी है वो भी लग चुकी है। अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर तहें लगाते हैं इसकी। सबसे पहले जो चिकन वाला है वो ले लेंगे, ये देखें चिकन वाले के ऊपर हम एग वाला रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एग वाला रखने के बाद अब इसके ऊपर हम ये वाला रखेंगे, ये ऊपर रख देंगे। और ये सबसे ऊपर वाली जो ब्रेड स्लाइस है, ये देखें, ये हमारा जो क्लब सैंडविच है वो तैयार हुआ है। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब मैं इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने कोई तेज सी छुरी लेनी है क्योंकि घरों में अक्सर हमारे पास प्रोफेशनल छुरियाँ नहीं होती। ज़बरदस्त लुक आई है। इसको मैं आपको अब जो है डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इजी एंड क्विक क्लब सैंडविच रेडी है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा, लाइट भी है और आपको बनाने में बहुत क्विक है। तो रमज़ान में बहुत इजी है, इफ्तार या सहूर में आप ये जो है आराम से बना सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम फिर एक नई रेसिपी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।